Hello guys, so today the fifth part, देखते देखते हम लोग पांच वीडियोस बना चुके हैं एंड बहुत आगे आ चुके हैं चैप्टर के साथ में. आज का सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अप्रो, ठीक है. आई राइट इट ओवर हियर व्हाट वी हैव टू डिस्कस. हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आपसे. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एक पहला पॉइंट जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना है. क्या है, क्यों है, मैं सब बताने वाला हूं, आपको टेंशन मत लो. बट अब इन नटशेल हम लोग क्या करने वाले, आपको मैं पहले इंडेक्स दे रहा हूं, ठीक है. नेक्स्ट, द एग्जांपल्स एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस आइटम इज गोइंग इन दैट अकाउंट. Why? So basically, boss, अगर आप यहां पे रुके हुए हो ना, तो आप पता है क्यों रुके हुए, ये चीज के लिए, why के लिए. आपको शायद पता होगा पीएनएल अकाउंट क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है. आपको शायद ये भी पता होगा कि भाई चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या है. बट उसकी एग्जाम्पल के पीछे जो रीजन है ना, जो उसका कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो बहुत प्यारा है. सच्ची बोलता हूं, व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट ना भाई, मेरे को अकाउंट से प्यार हो गया. मैं जब भी 12 में था तभी सीखा था इसको. आज 12 को, मुझे 12 देने को इतने सारे साल हो गए भाई, मैं अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है ये सब्जेक्ट. एंड इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो और ही मस्त है. चलो, लेट्स मेक यू फॉल इन लव विद अकाउंट्स. चलो, सो पीएनएल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन स्टार्टिंग में, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट करने के लिए. फर्स्ट यू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस मिलता है, हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं भाई, अपने को और भी एक्सपेंसेस है ना यार, ऑफिस एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, फिर हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, कहाँ लिखोगे. ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपने सब गुड्स रिलेटेड लिख दिया है, तो ये बेचारे जो छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस कहां लिखोगे, उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो पीएनएल अकाउंट. मतलब यहां पे जो पीएनएल अकाउंट बना के रखा है ना आपने, यहां पे दिस अकाउंट इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी ओवरहेड्स. ऊपर चला गया, चलो नीचे आ जाओ भाई. लो, इसको लाइन कर दूं मैं, कल अपन ने जो किया था. इट्स ऑल दी ओवरहेड्स, मतलब जो भी ओवरहेड्स, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना यार, वो सब कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में. एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑफिस वाले एक्सपेंस सब पीएनएल में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब पीएनएल में, फाइनेंस एक्सपेंस सब पीएनएल में. मतलब जो भी पैसा आप है ना बाहर वालों को दे रहे हो ना, वो अपना पीएनएल में जाता है. बाहर वाला जो ओनर नहीं है वो बाहर वाला हो गया. अपने बिजनेस में दो लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, वन जिसका बिजनेस है एंड वन जिसके लिए इन लोग काम करते हैं. बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, सो वो आउटसाइडर हो गया. एग्जांपल दूं क्या मैं, चलो आप और मैं पार्टनर्स हैं, ठीक है. सो हम लोग ओनर्स हो गए, यस हम लोग ओनर्स हो गए. अपन दोनों ने एक मैनेजर को रखा, बोला ये चले मैनेजर काम कर फटाफट, तेरे को सैलरी देंगे. मैनेजर काम करता है, सैलरी लेता है, कैन आई से ये हो जाएगा आउटसाइडर. ये हो गया हमारा आउटसाइडर, पक्का. बिजनेस अपना है, ये बिजनेस के लिए काम करता है, पक्का. सो जो भी एक्सपेंसेस हम लोग बाहर वाले, तो जो बाहर वाला ना मैनेजर, इस ये जो मैनेजर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइडर. वो हो जाएगा हमारा ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट. आप सैलरी कहां लिख देते, पीएनएल अकाउंट में, पक्का.
अच्छा अभी पीएनएल अकाउंट में से आपको प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। अभी वही नेट प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को हम लोग दे देंगे पार्टनर्स को। अभी समझो कि यहां पे मुझे नेट प्रॉफिट आया से फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपया, ठीक है। तो अभी अपन दोनों ही पार्टनर है, अभी अपन पार्टनरशिप में यार भूल गए, अपन दोनों कैसे डिवाइड करेंगे इसको, भाई तू 50 ले ले, भाई मैं 50 ले लेता हूं, खत्म हो गया चीज। तो वो 50 जो 1,00,000 रुपीज है कहां पे ट्रांसफर होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन मैन। यहां पे 1,00,000 रुपीज का डिविजन जो होगा 50,000 and 50,000, दिस डिविजन हम लोग कहां पे करने वाले, इन दी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस, सिंपल है। 1,00,000 रुपया नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट का डिविजन जो होने वाला है वो कहां पे करने वाले हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इट्स द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स। इट्स द डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स। अभी आप देखो, मुझे मालूम है ये डाउट आपके दिमाग में आया होगा, सर ये क्या मजाक मस्ती कर रहे हो, ये 1,00,000 को यहीं पे डिवाइड कर देते ना यार, जाना तो कैपिटल अकाउंट में ही है, जो 50-50 डिवाइड किया वो तो जाना कैपिटल अकाउंट में ही है ना, क्यों मगजमारी कर रहे हो यहाँ पे, क्यों यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, क्यों एक अलग से अकाउंट बना के डिवाइड कर रहे हो। तो बॉस यहाँ पे ना यही थॉट जो है ना, वहां पे आप पॉज ले लो और अभी सुनो क्या होता है। ये जो 50-50 आया ना, 50-50 प्रॉफिट, ऑफकोर्स ये हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बट यहाँ पे ना ये जो प्रॉफिट्स है ना, इसको डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं यार, इसको भी डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, यहां पे बनाऊं मैं, हैव अ लुक एट दिस। मुझे 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, ध्यान से सुनना, ये बहुत मजेदार है। दिस इज माई नेट प्रॉफिट, ठीक है। अभी मैं और आप काम कर रहे थे, आप बहुत मेहनती हो यार, आप है ना, मतलब सुबह 10:00 का है, आप 9:30 बजे आ रहे हो, इवनिंग में 7:00 का हम लोग सब बंद बंद करके जा रहे हो, तुम 7:30 तक बैठ रहे हो, नहीं एसी में बैठने के लिए नहीं, आप बहुत मेहनती हो, बहुत काम करो, अच्छा काम कर रहे हो यार। मैं थोड़ा आलसी हूँ यार, 10:00 को है, मैं आराम से 10:15 को आ रहा हूँ, दोपहर को भाई लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ, आराम से नैप वैप लेके 3-4 बजे आ रहा हूँ, और शाम को 6 बजे निकल रहा हूँ। मैं पार्टनर हूँ, ओनर हूँ ना यार, कौन बोलेगा मेरे को, मैनेजर बोलेगा मेरे को, आप भी नहीं बोल रहे हो यार, बोले ठीक है यार, बट आप क्या कर मानो, मैं आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार बुरान अपन दोनों ओनर्स हैं, मैंने भी पैसा लगाया, तुमने भी पैसा लगाया, मैं भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तुम भी एफर्ट्स डाल रहे हो, बट मेरा एफर्ट कुछ ज्यादा ही है यार, मैं कुछ ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, भाई मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। हम लोग ये जो पैसा जो पहले डिवाइड करते थे 50 और 50 ना, मुझे है ना ये 50-50 नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा चाहिए, बिकॉज मेरा एफर्ट ज्यादा है। अभी अपना दिल बड़ा है, बोला एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तेरे को, क्या कितना चाहिए तेरे को, कितना चाहिए बोल दो, कितना 20,000 सैलरी चल ले, 20 ले। तो अभी यहाँ पे ना बॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, यहां पे सबसे पहले हम लोग 20,000 लेस कर रहे, एज सैलरी टू पार्टनर, कितना बचा, 80 बचा। अभी 80 को डिवाइड करेंगे कैसे, 40,000 मैं लेके जाऊंगा, 40,000 पार्टनर लेके जाएगा। इन शॉर्ट क्या आप देख रहे हो यहां पे, क्या आप देख रहे हो यहां पे, ये मेरा एंड ये आपका, आपका, अरे बॉस आप तो पहले सैलरी भी तो ले चुके हो, ये भी आपका। तो क्या मैं बोल सकता हूं बॉस, आपने बिजनेस के अंदर से 40 कमा लिया, 20 कमा लिया, मतलब यू आर अर्निंग 60, आई एम अर्निंग 40, मेरा नहीं सर लिखू मैं, अच्छा लगता है सो यार। सो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये इतना आसान कैलकुलेशन नहीं था। यहाँ पे एक और आइटम इंट्रोड्यूस हो चुकी है, दैट आइटम इज योर सैलरी टू पार्टनर,
एंड ये कोई ऐसा वैसा सैलरी नहीं है, ये सैलरी पार्टनर के लिए, ओनर के लिए है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालोगे। एंड ये सैलरी जो है हम लोग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। दैट्स द रीजन व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट अकाउंट। यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब अगर हम लोग प्रॉफिट्स को डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन द पार्टनर्स, जरूरी नहीं है कि ये प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट के जरिए ही दे, ये प्रॉफिट्स हम लोग पार्टनर्स को डिवाइड करके दे दे, जरूरी है क्या? नहीं, वो बोलता मेरे को सैलरी के नाम पे चाहिए, तो सैलरी के नाम पे ले तू चल। अच्छा, कभी कभी कोई पार्टनर बोलते भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मांगता है, तो चल तो इंटरेस्ट के नाम पे चाहिए, तो वो इंटरेस्ट के नाम पे देखो प्रॉफिट्स देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, दिस डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी डन आइदर बाई पेइंग द सैलरी, आइदर बाई पेइंग द इंटरेस्ट। सो फॉर these expenses ना हम लोग क्या करते हैं, अलग से अकाउंट ओपन करते हैं, दैट अकाउंट का नाम हो जाएगा अपना PNL appropriation account। Do you understand this? पक्का? So that's the story of PNL appropriation account। Now, चलो इसको हटा दूं मैं। चलो भाई तुम मत जाओ। Yeah. तुम भी हट जाओ। ठीक है, सो व्हाट इज अ पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविजन ऑफ द प्रॉफिट्स, एंड डिविजन कैन बी डन इन एन नंबर ऑफ वेज। वो बोलता है मेरे को सैलरी दो, सैलरी दिया, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट दिया, कमीशन दो, कमीशन दिया, जैसे वो बोलेगा वैसे करने का क्या टेंशन है, सिंपल है। आगे Now the examples. अच्छा, examples में क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो इसको ये salary to staff, manager, etc. ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा PNL account में जाएगा। But if I am giving any salary to partner, कहा जाएगा मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, बिकॉज हमारे ओनर्स को दे रहे हैं हम लोग, ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ओनर विल बी गोइंग इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ व्हाई, ये जो है ना, आप अभी आपको मैं आंसर देता हूं बेटा, ये व्हाई, व्हाई का आंसर व्हाई, बिकॉज बॉस यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो उसका कैपेसिटी है ना, यहाँ पे जो उसका इंटेंशन है ना, इंटेंशन यहाँ पे इसका इंटेंशन इज नॉट ऑन अर्निंग द प्रॉफिट्स, यहाँ पे इसका इंटेंशन प्रॉफिट्स के लिए नहीं है। अगर कभी भी कोई भी एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं, जो एक्सपेंस करने के पीछे जो सामने वाला बंदा है उसका इंटेंशन, जो मैनेजर है उसका इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट्स को इसके पर नहीं होता है कि भाई प्रॉफिट्स मेरे को मिलेगा। ना 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 ना, ना। अपन दोनों पार्टनर है, अपन ने मैनेजर को काम पे रखा, मैनेजर कभी भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता कि भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगा। ना, सैलरी कितना दे रहा है, इतना हाल है, इतना चुपचाप बैठा अभी। हाँ, बोनस देंगे अगर ज्यादा अच्छा काम किया तो, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी। सो कभी भी किसी का इंटेंशन अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो चार्ज हो जाएगा, एंड अगर कभी भी किसी का इंटेंशन अगर प्रॉफिट को डिवाइड करना है तो वो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएशन। इंटेंशन ध्यान रखो, इंटेंशन वर्ड ध्यान में रखो। तो सैलरी आउटसाइडर को चार्ज, सैलरी ओनर को अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं देखो लिखा भी कहां पे, और आपको पूछ रहा हूं क्या होगा, आपको तो पता ही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएशन, बिकॉज वी आर गिविंग इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। परफेक्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी क्या हो जाएगा मेरा, अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अप्रोप्रिएशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक और है, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन, देखो सर, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी अप्रोप्रिएशन नहीं, यहां पे चेंजेस है बॉस। ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये आइटम यहां का नहीं है, ये आइटम यहां का है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, इट्स एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? चलो मैं एक बात बताओ, पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन क्यों दिया? अच्छा, पार्टनर कैपिटल क्यों लाता है? ताकि प्रॉफिट ले सके। यस, अभी पार्टनर्स कैपिटल नहीं ला रहे, पार्टनर्स ला रहा है लोन। मतलब वो क्या बोल रहे हैं मालूम है कि भाई बिजनेस प्रॉफिट करे या लॉस करे, मेरे को तो मेरा इंटरेस्ट जो ये छे साड़ा इंटरेस्ट अपने अपने को दे दो। तो यहां पे है ना, यहां पे पार्टनर का जो इंटेंशन ना इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट बट टू अर्न द इंटरेस्ट। तो यहां पे उसका इंटेंशन इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स द प्रॉफिट्स, यहां पे उसका इंटेंशन इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्निंग ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। तो दैट्स व्हाई दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन बट चार्ज यहां पे आएगा। परफेक्ट है, इट्स अ चार्ज बिकॉज उसका इंटेंशन इज व्हाट? द इंटरेस्ट। सो बॉस ये नटशेल में ना ये आंसर है, मतलब ये झकास कॉन्सेप्ट है यहां पे। क्या झकास कॉन्सेप्ट है? कि अगर आपका इंटेंशन पार्टनर्स लोन का इंटेंशन, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन उसका इंटेंशन अगर प्रॉफिट्स के तरफ है तो भाई अप्रोप्रिएशन है, बट यहां पे तो उसका इंटेंशन तो इंटरेस्ट है यार। सो क्या हो जाएगा? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का पक्का ना, श्योर है ना? नाउ यू थिंक अबाउट इट, आप कॉमन सेंस लगाओ, ये आपको बहुत काम में आएगा आपके FIB में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्वेश्चंस के अंदर। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल में बहुत काम में आएगा। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है एंड मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या मैं दे सकता हूं? ऑफकोर्स है प्रॉफिट, दे दो, ठीक है। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, क्या मैं इंटरेस्ट का ऑन लोन दे सकता हूं? ऑफकोर्स दे सकता हूं, देना ही पड़ेगा, यू आर करेक्ट। अगर मेरे पास बिजनेस में प्रॉफिट है, मुझे पार्टनर को सैलरी देना है, क्या मैं सैलरी दे सकता हूं? ऑफकोर्स दे सकते हो, पैसा पड़ा है, दे दो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर मेरे बिजनेस में सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, मेरे बिजनेस के अंदर सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, मुझे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, क्या मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकता। अगर मेरे बिजनेस के अंदर सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है बट मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, क्या मैं दूंगा? बॉस देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कंपल्शन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ कंपल्शन। अच्छा, अगर आप याद रख रहे हो ना, तो इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज सेट टू बी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ेगा। परफेक्ट, श्योर है, वंडरफुल यार। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है, मुझे सैलरी देना है पार्टनर को, क्या मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं। कंपल्शन नहीं है, डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स है। अरे प्रॉफिट्स तभी तो डिवाइड कर पाओगे जब भी प्रॉफिट होगा, यहां पे तो प्रॉफिट ही नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? पक्का, डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट? क्या बात है, दैट्स द थिंग। सो दैट वॉज अ फंडा ऑफ PNL अकाउंट एंड PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, श्योर है? सो दिस वॉज द एग्जाम्पल्स, दिस वॉज द मीनिंग ऑफ इट, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे मैंने तीन चीज बताई, वॉट इज द मीनिंग ऑफ इट, कब करना है और क्यों करना है। आप जैसे आगे के सालों में जाओगे, तभी यू विल बी हैविंग योर ऑडिटिंग, एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग करके, वहां डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन के बारे में पता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट आई एम गोना सी यू, सो आई विल बी टेकिंग अप न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक, एंड मजे करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एट होम, थैंक यू।